सो जियो टीवी प्लस को लेकर सबसे बड़ा और सबसे पहला ऑफिशियल अपडेट जो है आ चुका है, जो आपको जानकारी लेना बेहद जरूरी होगा। क्योंकि जैसे कि हम लोग को सबको पता है, जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन जो है जून मंथ एंडिंग यानी जून 4th वीक से अपना स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी और स्मार्ट गूगल टीवी के एप्लीकेशन स्टोर पर जो है अवेलेबल करवा दिया गया था। लेकिन इसका बारे में अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन होता था, कोई भी क्यूरीज होता था, अगर आप जियो फाइबर के कस्टमर केयर को फोन करके पूछते थे, तो उनका पास ऐसे कोई भी जानकारी नहीं था। आप अगर कुछ भी क्वेश्चन करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेल भी किया था, आप देख सकते हो, जो कि जुलाई मंथ में आप देख सकते हो, तो उस दिन भी उन्होंने वही बताया था कि जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ जियो फाइबर के सेटअप बॉक्स पर अवेलेबल है, ऐसे कोई अदर डिवाइस पर अवेलेबल नहीं है। तो इसका मीनिंग ये है कि जियो जो है ऑलरेडी जून 4th वीक से जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन जो है रिलीज कर दिया गया था, लेकिन ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया था। अब जो है सबसे बड़ा अपडेट, सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट और सबसे पहला अपडेट आप कह सकते हो, जो आज हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, और साथ में कौन सा स्मार्ट टीवी पर कब देखने को मिल सकती है, जितने सारे डाउट है आपको जियो टीवी प्लस आपको लेकर आपको इस वीडियो में क्लैरिटी मिल जाएगी। सो वीडियो को आप एंड तक देखिए, सो दैट आपको कुछ यूजफुल थिंग्स है जो जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है लक्ष्मण, आप देख रहे हैं टेक इल्यूजन। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ऐसे कनेक्टेड रहने के लिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल बटन जरूर दबाइएगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस अपडेट से, जो कंक्लूजन पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अब जो है जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन जो है कहाँ कहाँ और कौन सा डिवाइस पर अभी जो है अवेलेबल हो चुका है। सो जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं, बेस्ड ऑन अभी रिसेंट अपडेट आपको जो है जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन जो है अपने स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी, गूगल टीवी, एप्पल टीवी और फायर टीवी स्टिक पर जो है ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है। अब बात करते हैं कि सैमसंग टीवी पर कब देखने को मिलेगी। तो भाई इसको लेकर क्लैरिटी में जो है रिलायंस जियो का तरफ से मेंशन किया गया है कि जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन जो है अपने सैमसंग टीवी यानी टाइजन टीवी ओएस पर थोड़ी आपको टाइम लग सकता है। कोई क्लैरिटी नहीं है कब तक आएगा। सो यहां पर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर यह जरूर मेंशन किया गया है एलजी टीवी पर जो है हो सकता है बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी एप्लीकेशन स्टोर पर। सिमिलरली अदर स्मार्ट टीवी के मीनिंग जितने सारे टीवीज है उन टीवीज के एप्लीकेशन स्टोर पर जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन कब आएगा कोई भी जानकारी इस अपडेट पर आपको नहीं दिया गया है। हम लोग यहाँ ये एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि एंड्रॉयड, गूगल टीवी, एप्पल टीवी, फायर टीवी स्टिक के बाद अब विद इन 1 मंथ जो है हम लोग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि एलजी टीवी पर देखने को मिल सकती है। पहले बात कर लेते हैं कि जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन को कौन देख सकता है, जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन को कौन एंजॉय कर सकता है। सो सबसे पहले जो कंडीशन है कि आपके पास जो है जियो फाइबर या फिर जियो एयर फाइबर का कनेक्शन होनी चाहिए, वो पहला कंडीशन था, आज भी कंडीशन वही है। अब बात करते हैं कौन सा प्लान पर आपको जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। तो नंबर वन, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप जियो एयर फाइबर यूजर हो तो आपको सारे प्लान पर जो है जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन जो है अवेलेबल कराया गया है। सिमिलरली अगर आप जियो फाइबर के पोस्टपेड यूजर है, तो अगर आपका प्लान जो है 599 से एबव है तो आपको जो है जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन मिल जाएगी। अब किसमें नहीं मिलेगी, 399 पर नहीं मिलेगी और 198 प्लस 200 उस प्लान पर भी आपको नहीं मिलेगी। सो जियो फाइबर के पोस्टपेड जो बेस जो प्लान हो गया अगर 599, तो वहां पर मिलता क्या है कि आपको 30 Mbps इंटरनेट प्लान प्लस आपको HTV, उसमें आपको 14 OTT भी इंक्लूड है, नेटफ्लिक्स आपको नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। सिमिलरली अगर आपके पास जियो फाइबर के प्रीपेड प्लान है तो आपको जो है बेस प्लान जो होगी 999, अगर उसी प्लान पर आप हो तो फिर आपको जो है जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन का जो भी कंटेंट है आप देख पाओगे। अब बात करते हैं कंडीशंस क्या है। भाई कंडीशन ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पास सपोज फॉर आपके पास अभी जियो फाइबर के पोस्टपेड प्लान आप ले लिए है 599 और आपको जो है उसके साथ एक HTV मिल जाती है सेटअप बॉक्स। पहला टीवी को आप सेटअप बॉक्स मिल गया आपको, 599 आपका प्लान है, सो 399 प्लस आपको HTV के लिए 200। आपका जो सेकेंड टीवी है वहां पर भी आपको जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में उसका कंटेंट मिल जाएगी। जस्ट आपको करना क्या है, जहां पर आपको सेकेंड टीवी आपका है वहां पर आपको जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करना है, गूगल टीवी, स्मार्ट टीवी के ऊपर में, और
वहां पर आपको जो भी आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आप जियो फाइबर या फिर जियो एयर फाइबर के लिए आप रजिस्टर कर रखे हो, उस मोबाइल नंबर का थ्रू से आपको लॉग इन कर देना है। अब जैसे ही लॉग इन करोगी तो आपको जो है जियो टीवी प्लस का जो भी कंटेंट्स है, जो आपका 599 प्लान पर ऑलरेडी एक्टिवेट किए गए हैं, वो सारे के सारे कंटेंट जो है आपको सेकंड टीवी पर विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट सेटअप बॉक्स आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो अब यहाँ पर ऐसे हुआ, सो जैसे कि आप लोग का क्वेश्चन यही था कि एक जियो एयर फाइबर या फिर जियो फाइबर लेने से, एक कनेक्शन लेने से, एक रजिस्टर्ड मोबाइल से कितने लॉग इन होगी, तो भाई आपको एक ही होगा, ठीक है। एक जो है ऑलरेडी आपका सेटअप बॉक्स पर चलेगा और दूसरा जो होगा आपको सेम आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप लॉग इन कर पाओगी। सो टोटल आपको जो डिवाइस चलेगी वो दो। अब बात करते हैं एक वाइटल एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर ये ऑफिशियल अपडेट पहला अपडेट है तो मैं जितना सारा वीडियो बना रहा था जून महीने से लेकर अभी तक, तो कैसे बनाया? तो भाई बात ऐसा है, जैसे कि मैंने आपको बताया जून फोर्थ वीक से जब ये एप्लीकेशन स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी एंड स्मार्ट गूगल टीवी पर देखने लगा तो इमीडिएटली जो है मैंने एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग वगैरह करने लगा। तो मेरा जो प्लान था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा अभी भी 399 प्लान है, आप देख सकते हो। और मेरे पास ऐसे कोई सेटअप बॉक्स वगैरह नहीं है, मैं आपको लाइव भी दिखाया था कि मेरे पास कोई सेटअप बॉक्स नहीं है। 399 मेरा सिंपल प्लान है, उसमें मेरे को 30 Mbps इंटरनेट मिलती है और लास्ट में 3300 GB मेरे को मिलती है, ठीक है, मंथली। सो मेरे पास ऐसे कोई STB वगैरह प्लान नहीं है, कोई एडिशनल OTT प्लान मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक्सेस इसलिए कर पा रहा था दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टेस्टिंग वर्सन जो है उन्होंने स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी पर एप्लीकेशन स्टोर पर रिलीज कर रखा था। तब मेरा अभी लास्ट 2 मंथ से मैं आराम से जितने सारे, इवन मैं आपको बताया था कि प्रीमियम चैनल जो है मेरे को ओपन हुआ था, सोनी एंड कलर्स भी मेरा जियो टीवी प्लस एप्लीकेशन पर ओपन हुआ था और मैं आपको लाइव ओपन करके दिखाया था, ऐसे में हवा में नहीं बोला था आपको। सो अभी लेकिन लास्ट 1 वीक से अब मैं अगर ओपन करने के लिए कोशिश करता हूँ तो देख लीजिए मेरे को यही एरर आ जाता है। सो लास्ट 1 वीक से अभी जो है स्टॉप हो गया है, अभी नहीं चल रहा है, लेकिन पहले मेरा यही 399 प्लान पर जो है चलता था। तो जियो का यही कहना है कि यहाँ पर टेस्टिंग वर्सन दिया गया था, कुछ कुछ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है एप्लीकेशन ओपन हो जाता था और कंटेंट जो है प्ले होता था। सो मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया है, जो मेरे को दिखाई दिया है, जो मेरा टेस्टिंग में आया है, मैं आपको वही बताया है। और इसका पहले एक वीडियो डाला था कि सैमसंग टीवी और LG टीवी पर कब आएगा, वो मैं अनऑफिशियल मेरा रिसोर्स यूज करके मैंने जितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाया उसी हिसाब से आप लोग को बताया था। लेकिन अब जो है इस वीडियो में ऑफिशियल कन्फर्मेशन है, जैसे कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो सारे के सारे ऑफिशियल वर्जन। अब बात ऐसा है कि अगर आपके पास एक स्मार्ट टीवी है जो एक एंड्रॉइड या गूगल टीवी है, दूसरा टीवी आपको जो है सैमसंग टीवी या फिर अदर किसी जो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वाला टीवी है, तो क्या करना है? तो भाई देखो, इस सिनेरियो पर जैसे कि मैंने आपको बताया और जैसे कि जियो का ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि आपको जो है एंड्रॉइड टीवी, गूगल टीवी, फायर टीवी स्टिक और आपको जो है एप्पल टीवी पर अवेलेबल है, अदर एप्लीकेशन स्टोर पर जो है अवेलेबल ये नहीं है। अब आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास एक जो है एंड्रॉइड टीवी, गूगल टीवी है, दूसरा आपका सैमसंग टीवी LG है, तो उसका सोल्यूशन आपको यही है दोस्तों कि आप और एक सेटअप बॉक्स जो है ऐड ऑन करना पड़ेगा और उसका थ्रू से HDMI केबल का थ्रू से आपको कनेक्शन लेनी पड़ेगी। ये एक सोल्यूशन। एक्सपेक्टेड सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास स्मार्ट टीवी नहीं है, आपके पास नॉन स्मार्ट टीवी है, तो क्या करना है? तो उसके लिए भी आपको सिंपल है कि आपको सेटअप बॉक्स ही ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको जियो टीवी प्लस रिलेटेड जो भी डाउट है इस वीडियो में क्लैरिफाई हो गया होगा। अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है, मैं सारे के सारे इमेज बना के वीडियो का इंटरमीडिएटली डाला था, आप वीडियो को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करके देख सकते हो। और जो भी आपको डाउट है, आई होप कि आपको वीडियो में क्लियरली क्लैरिफाई हो गया होगा। सो मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।